12,000 के साथ आपको जो एक स्टैंड मिलता है दीवार वाला, इसके साथ जो आपको एक दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम आ चुके हैं पंजाब के जलंधर शहर में फेमस ट्रेडिंग कंपनी में जो कि एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ पर 24 इंच एलईडी टीवी से लेकर 55 इंच एलईडी टीवी तक जो है तैयार किया जाता है। यहाँ पर आपको जो है स्मार्ट, नॉन स्मार्ट, एचडी, फुल एचडी, 4K इस तरह की टीवी जो है यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। और यहाँ पर आपको जो है स्मार्ट में 1GB रैम, 8GB रैम, 2GB रैम, 8GB रैम इस तरह के जो है आपको यहाँ पे टीवी देखने को मिल जाएगा। एलईडी टीवी के मैन्युफैक्चर। हेलो सर, कैसे हैं? ठीक है सर, आप हमारे कंपनी का नाम है फेमस ट्रेडिंग कंपनी और जो हमारी एलईडी टीवी है CXtra के नाम से है। CXtra तो इसमें तो सिर्फ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है सर, सी भी लिखा ना, ये आंख बनी हुई है, ये जो है लोगो है आपका, ये लोगो है सर। आप जो है कितने इंच एलईडी टीवी से लेके और कितने इंच एलईडी टीवी तक जो है सेल करते हैं? और दूसरा चीज की आपके पास नॉर्मल होता है, एचडी होता है, 4K होता है, क्या क्या होता है सर? सभी हमारे पास है, एचडी में भी है, फुल एचडी में भी है और अल्ट्रा एचडी जिसको 4K बोलते हैं वो भी हमारे पास है। स्मार्ट टीवी भी होगा? हाँ, स्मार्ट टीवी भी है। ठीक है, तो स्मार्ट टीवी कितने से स्टार्ट है, कितने इंच से? 32 इंच से स्टार्ट है, 32, 40, 50 इंच, 55 इंच, इससे ऊपर जो भी है सब में मिलेगा। और सर एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, आप जो है सिर्फ बल्क में ही सेल करते हैं यानी कि जो डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं उन्हें, या फिर कोई आसपास जो रहता है आपके नियरेस्ट में तो उन्हें एक दो पीस जो है सेल दे सकते हैं? सर CXtra नाम से ये कंपनी अभी हमारी नई है, इससे पहले हम अदर नाम से करते रहे हैं काम। ठीक है, तो CXtra ये अभी नई है तो हमें इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए हमें, हम उनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे, डीलर भी चाहिए हमें सभी एरिया के लिए, और जो रिटेल में लेना चाहते हैं हम उनको भी देंगे क्योंकि अभी नई कंपनी है, हम तो अभी जैसे भी हमने काम करना है। ओके, तो अभी जो फेमस करने के लिए आप कैसे भी करने के लिए हम अभी ऐसे भी देंगे अभी। ठीक है, तो एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर, जो 10 पीस ले रहा है, 20 पीस ले रहा है और जो सिंगल पीस ले रहा है तो उन दोनों के रेट में डिफरेंस होगा कुछ? थोड़ा सा अंतर रखेंगे, थोड़ा सा अंतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं 24 इंच से लेके 55 इंच टीवी तक जो है एलईडी टीवी का रेट जो है आपको अप्रॉक्स बताएंगे, प्रॉपर नहीं बताएंगे, अप्रॉक्स बताएंगे, यानी कि 200-300 कम भी हो सकता है, 100-200 ज्यादा भी हो सकता है। रिटेल का रेट बताएंगे, रिटेल का रेट बताएंगे, ध्यान रखिएगा। रिटेल का एक पीस अगर लेंगे ना तो उसकी रेट बताएंगे हम, और जो कि ये प्राइस लिस्ट है। अगर आप बल्क में लेते हैं 5 पीस, 10 पीस, 20 पीस तो आप जो है पर्सनल बात कीजिए, आपको जो है क्या कम होता है मुझे भी नहीं पता रहेगा, पर्सनल जो आपके बीच डील होगा वो वही होगा फाइनल। चलिए रेट जो है जानना शुरू करते हैं। 24 इंच एलईडी टीवी जो कि नॉर्मल है, फुल HD 5500 रुपये का, 5500 का। 32 इंच नॉर्मल 8500 रुपये का, 8500 का। 32 इंच स्मार्ट 10500 रुपये का, 40 इंच नॉर्मल 12500 रुपये का, उसके बाद 40 इंच स्मार्ट 15000 रुपये का। इससे ऊपर जो भी आएंगे 40 इंच से सब स्मार्ट ही आएगा, नॉर्मल नहीं होगा, 32 से सब स्मार्ट स्मार्ट ही है बिल्कुल। 50 इंच स्मार्ट 24500 रुपये का, 55 इंच स्मार्ट 35500 रुपये का। ये तो रहे रेट, और इसमें भी आपको ध्यान देना है कि 1GB रैम है, 2GB रैम है, तो कुछ जो है इस पर भी थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएट होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई 55 इंच का ले रहा है, उसमें 1GB रैम ले रहा है तो कम हो जाएगा, 2GB रैम ले रहा है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब जब लीजिएगा तो क्लियर जो है बिल्कुल बात कर सकते हैं आप। और जो नियरेस्ट रहते हैं यहाँ जलंधर के आसपास तो आप चाहें तो यहाँ विजिट करके भी ले सकते हैं, अगर वो 2-4-5 किलोमीटर के एरिए में रहते हैं तो क्या आप उन्हें घर तक डिलीवरी करवा सकते हैं? जलंधर में हम डिलीवरी करा सकते हैं, जलंधर में डिलीवरी करवा सकते हैं। बल्क ऑर्डर है तो हम पूरे पंजाब में कैश ऑन डिलीवरी करवा सकते हैं। जलंधर में कैश ऑन डिलीवरी करा देंगे। चलिए, जलंधर के लिए फैसिलिटी मिल जाता है कैश ऑन डिलीवरी का। फिलहाल हम यहाँ पे जानेंगे सर कुछ गारंटी और वारंटी का, क्या होता है सर गारंटी वारंटी का? 1 साल के हम पूरी गारंटी देते हैं। अगर कोई एक्सटेंड करना चाहता है तो उसके बस 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करे पर ईयर का। ओके, एक साल और एक्सटेंड कर, यानी एक साल तक तो कंपनी की मिलेगी और एक साल एक्सटेंड करना चाहते हैं उसके लिए 2000 पे कर, 2000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो उसी समय खरीदते समय ही करना पड़ेगा या फिर एक साल पूर्णे के बाद खरीदते समय एक्स्ट्रा करे। चलिए दोस्तों, ये है 50 इंच LED टीवी, ठीक है। इसके फंक्शन तो आप जैसे ही ऑन करेंगे कुछ इस तरीके का स्क्रीन पे दिखाई देगा, फुल HD में है, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्राउजर मिल जाता है, बाकी ये मल्टीमीडिया है, यहाँ सेटिंग मिल जाता है, जैसा कि देख सकते हैं नेटवर्क सेटिंग है, इमेज, साउंड, टाइमर, ये सब जो है नॉर्मल बेसिक सेटिंग आता है वो है। यहाँ हम जाएंगे ऐप के ऊपर में, तो जो आपने ऐप इंस्टॉल किया है वो ऐप आपको दिखाई दे देता है। यहाँ पे आपको जो है प्ले स्टोर भी मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे TikTok जो है वो इंस्टॉल है, यहाँ पे YouTube इंस्टॉल है। और अगर आप TikTok चलाते हैं तो वहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड ऑफ टेच टाइप कीजिए, वहाँ पे मेरा TikTok होगा, वहाँ जाके जो है फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे जो है प्ले करते हैं YouTube। इसी चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास जो है इस तरह का रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे इस तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में ये बेल वाला आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से कई सारे भाई दोस्त बंधु दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, यहाँ पे YouTube प्ले करके देखा कि किस तरीके का जो है यहाँ पे चल रहा है। तो स्मूथ चल रहा था, काफ़ी बिना रुके हुए चल रहा था, हालांकि वो नेटवर्क पे डिपेंड करता है और ज़्यादा इसे प्ले भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि कॉपीराइट इशू जो है वो आ सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे जो है कुछ गाने देख लेते हैं। हालाँकि ये जो है कोई फिल्म है तो इसे हम बैक करते हैं, हमें फिल्म नहीं देखना, हमें कोई गाना जो है प्ले करना है, ठीक है। हम यहाँ पे भगा भगा के देखेंगे थोड़ा सा, जूम कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, यहाँ पे अब हमने जो है थोड़ा सा इसके भी क्वालिटी देख ली कि नॉर्मली जो है किस तरीके का चल रहा है। अब हम यहाँ पे जो है देख लेते हैं कि आखिर जो हमें HDMI पोर्ट कितने मिलते हैं, USB कितने मिलते हैं, तो ये सब जो है टीवी में हम देख लेते हैं। ये 50 इंच LED टीवी है, तो अब थोड़ा सा जो हम इसे रिमूव करते हैं और पीछे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मिल जाता है हमें, ये देखिए, ये RF मिल जाता है, RF कोड जो है ऑडियो वीडियो का वो मिल जाता है। उसके बाद हमें मिल जाता है 3.5mm का जैक जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ये मिल जाता है आपको पेन ड्राइव लगाने के लिए, USB लगाने के लिए डबल मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, VGA का पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये HDMI है, फिर HDMI है, RF इन है, तो लगभग जो है यहाँ पे एक वीडियो है, L है, R है, मिल जाते हैं जैक वगैरह। तो लगभग जितने चाहिए हमें यूज़ करने के लिए नॉर्मली उतने तो हमें मिल ही जाते हैं। यहाँ पे ये है दीवार में यहाँ पे लगा हुआ था इनका 24 इंच इन्हीं के ब्रांड में है, ठीक, जो कि फुल HD में है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि 24 इंच लगभग कि 5500 का है, इसमें क्या क्या मिल जाता है। ये दीवार में देखिए बिल्कुल फिट था, तो दीवार वाला भी साथ में स्टैंड मिलेगा, ये वाला स्टैंड बिल्कुल फ्री होगा ना सर साथ में, ठीक है, फ्री मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये मिल जाता है आपको RF ऑडियो वीडियो जैक जो है इनपुट आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाता है हमें VGA, अगर हमें इसपी के साथ जो है CPU कनेक्ट करना है तो भी हम कर लेंगे। यहाँ मिल जाता है HD इनपुट, ठीक है, HDMI। और यहाँ पे हमें मिल जाता है USB, तो पेन ड्राइव यहाँ पे आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो है इसमें वैल्यूम बटन भी है क्या सर इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको वैल्यूम बटन भी मिल जाता है, साथ में रिमोट तो आपको मिल ही जाता है। दोस्तों ये है 32 इंच एलईडी टीवी जिसमें साउंड बार लगा हुआ है। देखिए साउंड बार लगाना है, इसमें काफ़ी अच्छा साउंड जो है इनपुट करता है, इसका आउटपुट करता है सॉरी। और ये जो है लगभग 8500 का है ये विदाउट स्मार्ट। अगर आप स्मार्ट इसके साथ लेते हैं तो 10,500 रुपये का है, ठीक है। इसमें भी जो आपके जैक होते हैं लगभग आपको सभी जैक मिल जाते हैं, एक मिल जाता है VGA, बाकी आपको जो इस तरफ इनपुट मिल जाता है RF वगैरह का, और दो मिल जाता है यहाँ पे USB। तो आपको जो भी यहाँ पे इनपुट आउटपुट चाहिए लगभग मिल जाता है। तो ये जो है ये स्पेशल साउंड बार में है। साउंड बार सिर्फ 32 इंच में आता है, अदर में भी आता है, 40 में भी आता है। तो कुछ मॉडलों में जो है साउंड बार उपलब्ध है। एक 40 इंच LED टीवी जिसका हम कर रहे हैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आखिर जो है इसमें क्या क्या मिल जाता है, इसके अंदर एसेसरीज, जिसके जरिए हमें आइडिया लग जाए कि क्या क्या मिलने वाला है। देखिए एक तो इस तरीके की पैकिंग आएगा, उसके बाद एक वार्निंग सा जो है आपको टैग कह सकते हैं, टैग मिलता है, प्लास्टिक मिलता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल ओपन हो चुका है, साइज 40 इंच जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा है, 40 इंच है तो खैर आपको आइडिया लग रहा होगा। और यहाँ पे अब हम देखते हैं पीछे जैक वगैरह, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 2 USB, उसके बाद आपको मिल जाता है ऑडियो वीडियो जैक 3+3 6, ठीक है। और यहाँ पे फिर मिल जाता है HDMI in 1, HDMI in 2, यहाँ पे मिल जाता है वीडियो आउटपुट जिसके जरिए आप किसी दूसरे LED टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मिल जाता है VGA, यहाँ PC ऑडियो इन, यहाँ पे RF ऑडियो इन, ठीक है। और इसके साथ भी आपको मिलता है साउंड बार। साउंड बार लगने से इसकी जो साउंड में है क्वालिटी काफ़ी अच्छा हो जाता है। जो अलग से लगाते हैं साउंड बूफर वगैरह तो उसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा आपको जो है धूम-धड़ाम चाहिए तो उसके लिए प्ले कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ बटन, रिमोट, और ये स्टैंड मिल जाता है जो कि टेबल वगैरह पर रख, अगर आपको दीवार पर लगाना है तो उसके लिए भी आपको जो है इसी के साथ स्टैंड जो है फ्री मिल जाता है। आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा कि यहाँ पर जो है किस तरह का स्मार्ट LED टीवी जो है मिल जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने एड्रेस और नंबर जो है मेंशन कर दिया है। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।